व्हीकल लुक एंड ट्रैक डिजाइन ट्रांसपोर्ट विभाग गड़बड़ी कर रहा है। अपात्र निर्माताओं को ट्रांसपोर्ट विभाग ने काम दिया है। ये आरोप स्मार्ट मोबिलिटी संस्था के सचिव राजीव अरोड़ा ने मीडिया से बातचीत में लगाए हैं। संस्था के सचिव राजीव अरोड़ा ने कहा कि दिल्ली में हुए निर्भया कांड के बाद सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्यों को बसों, टैक्सी और ऑटो में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस 140 लगाने के निर्देश दिए थे। हिमाचल ट्रांसपोर्ट विभाग ने भी डिवाइस लगाने के लिए टेंडर आमंत्रित किए थे, जिसमें डिवाइस बनाने वाली 23 कंपनियों ने भाग लिया। इनमें से विभाग ने 5 निर्माताओं को डिवाइस लगाने का काम दिया। संस्था के सचिव राजीव अरोड़ा ने ट्रांसपोर्ट विभाग के चहेतों को फायदा देने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें विभाग ने बाहर कर दिया है। संस्था ने मामले को लेकर न्याय न मिलने पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात भी कही है। हम लोग सरकार, हिमाचल सरकार से ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने AIS 140 डिवाइस के लिए, ट्रैकिंग डिवाइस के लिए 5 ही कंपनियों को अप्रूवल दी है, जबकि अप्लाई करने वाले कंपनियां 28 या 29 थी। सब कंपनियों को बुलाया गया, 3-3 बारी सबने जो उन्होंने बोला वो टेस्ट पास किया। उसके बाद ये उनके साथ बाकी 23 कंपनियों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों, क्या ऐसी इंटेंशन है कि उन 5 को दिया जा रहा है, या ऐसा उन 5 कंपनियों में क्या खास है, या ऐसा हम में क्या कमी है कि हमारी कंपनियों को नहीं दिया जा रहा, जबकि हमारी कंपनियां 30-30, 40-40 साल पुरानी कंपनियां हैं, देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से हैं जो काम कर रही हैं। OEM अप्रूव्ड वेंडर्स हैं जो जिनको एक भी को भी अप्रूवल नहीं दिया गया, तो जो नई गाड़ी आएगी सरकार से मेरा सवाल है कि उसमें कैसे लगेगा, या उसकी वारंटी खत्म हो जाएगी तो उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? सरकार जिम्मेवारी लेगी, वारंटी सरकार पूरी करके देगी उस बेचारे गरीब टैक्सी वाले की? मेरा सरकार से ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। इसीलिए हम आप सबकी हेल्प चाहते हैं कि आप ये हमारे प्रतिनिधि बन के सरकार से ये प्रश्न करें। हाँ, अगर नहीं होगा तो हम कोर्ट तो है ही फिर, मतलब अगर एक प्रोसेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिफाइन किया है स्टेट उसके अगेंस्ट जाएगी तो फेडरल स्ट्रक्चर में हमारे पास कोर्ट की ऑप्शन है।